नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे काम काज कर सकते हैं, और हमने आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, और पिछले वीडियो में हमने कौन से लेवल बताए थे दोस्तों कि जिस लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है तो वो लेवल के बाद हमें अगला लेवल कौन सा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि निफ्टी ने हमारे एनालिसिस के हिसाब से काम किया है नहीं। दोस्तों पहली बात तो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल था, मैंने लास्ट जितने भी वीडियोस बनाए दोस्तों उसमें बताया था कि ये लेवल निफ्टी ने अभी वापस ब्रेक नहीं करना चाहिए। 24,200 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आज निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया, और हायर लेवल से अगर निफ्टी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसको ब्रेक कर देता है तो एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है 23,800 तक। तो यहाँ पे कैसे काम करना है देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, हमने लास्ट वीडियो में जो एनालिसिस किया था उस हिसाब से एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था, और असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न ने ऊपर के साइड ब्रेकआउट भी दिया था। यहाँ पे देखिए, कल के दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, यहाँ पे जो हमारा लेवल था 24,200 वहीं पे सपोर्ट लिया, वहाँ से वन वे रैली 24,450 तक लगभग 250 पॉइंट का यहाँ पे रैली देखने को मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं निफ्टी वापस 24,300 के आसपास क्लोजिंग दे दिया, और वहाँ से आज वापस एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो यहाँ पे जो मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, फेकआउट से हमें बचना है। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया गया, ये अगले दिन का जो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, कन्फर्मेशन मतलब आज जो कल जो कन्फर्मेशन था उसके हिसाब से आज निफ्टी ने ऊपर के साइड में सस्टेन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लेवल हमने बताया था 24,380 अगर निफ्टी वापस क्रॉस कर देता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो इमिडिएटली एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सेफ ट्रेडर्स को मैंने ये लेवल बोला था, और वहां से देखिए दोस्तों 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, हमें चार्ट के हिसाब से ही काम करना है, चार्ट के हिसाब से ही एनालिसिस करना है। अभी यहाँ पे आप मुझे पूछोगे तो क्या करना है सर, स्विंग में पोजिशन रखनी है या नहीं रखनी है? दोस्तों यहाँ पे हमें फॉल ऑफ कैंडल इंपॉर्टेंट है, कन्फर्मेशन कैंडल इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने स्विंग्स में कोई पोजीशंस क्रिएट किए रहेंगे फ्रेश पोजीशंस, तो अगर कल भी निफ्टी वापस रेड में क्लोज हो जाता है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी दोस्तों, और यहाँ पे कहीं ना क्योंकि परसों के दिन छुट्टी है, अगर निफ्टी 24,000 के नीचे कल के दिन क्लोजिंग दे देता है तो दोस्तों मेरे लिए तो मैं अपनी स्विंग की पोजीशंस मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एम पैटर्न बना है, और यहाँ पे 5-6 दिन से अगर सपोर्ट के लेवल पे ब्रेकडाउन दे रहा है तो इतना टारगेट नीचे आना ही चाहिए 22,800 तक। मुझे लग रहा है कि निफ्टी वापस आ सकता है, तो वहाँ पे एक अच्छी फ्रेश बाइंग और कोई सिग्नल मिलता है तभी हम फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे काम करना है इंट्राडे में वो देख लेते हैं। मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो बता दिया, एक अच्छा ब्रेकडाउन हो चुका है, कन्फर्मेशन ऑलमोस्ट मिल चुका है। आप अभी हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज हमें देखना है, सिर्फ सेल ऑन राइज। ओके, उसी हिसाब से काम करना है। तो हमें कैसे काम करना है दोस्तों, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है उसी लेवल से काम करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए एक अच्छा ब्रेकडाउन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा, कल एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है ऊपर के साइड जाता है, और यहाँ से वापस अगर आपको रिजेक्शन दिखता है 15 मिनट का कैंडल अगर रिजेक्शन में मिल जाता है आपको, तो वही कैंडल का आपको ऐसे लगाना है अप साइड में, और वहां से टारगेट आपका रहेगा 23,950 तक, मतलब लगभग 200 पॉइंट का आपका वहां से टारगेट रहेगा दोस्तों। इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ये आज के लो को काट देता है तो हम यहाँ पे पुट में बैठ जाएंगे दोस्तों, यहाँ से वापिस 150-200 पॉइंट का लगभग 23,950 और 23,900 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो उसी हिसाब से आपको काम करना है दोस्तों। हम पॉजिटिव कब रहेंगे, हम सिर्फ अभी सेल ऑन राइज का देखेंगे, लेकिन हम पॉजिटिव ओनली अबोव, अभी मैं आपको लेवल बता देता हूँ दोस्तों, तो वो उसी लेवल के ऊपर ही हम कॉल में बैठेंगे। 24,300 के ऊपर हमें अभी एक अच्छा खासा डेली क्लोजिंग चाहिए। ओके, 1 डे कैंडल यहाँ पे क्लोज होना चाहिए तभी हम कॉल का सोचेंगे।
तब तक हम सिर्फ पुट में देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया हूँ आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे निफ्टी वापस 24,200 में, और यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल अगर रेड में बन रहा है, तो वही कैंडल का आपको ऐसे लगा के टारगेट आपको 23,950 और 900 तक रखना है, 23,900 तक। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और जैसे बोला कि डाउन में निकलता है, तो वहां से वही टारगेट रहेंगे आपके। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने का ऊपर जाता है और 24,200 काट देता है, और आधा एक घंटा इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है, एक घंटा वापस देखिए दोस्तों, एक घंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि निफ्टी को सस्टेन होना पड़ेगा एक घंटा। अगर यहाँ पे जिन्होंने पुट में पोजीशन बनाई है, तो यहाँ से वो स्टॉप लॉस अपना जरूर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है, और उसके बाद मे भी मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया, तो यहाँ पे एक वापस हमें रैली देखने को मिल सकती है 24,300 तक। तो उसी हिसाब से आपको देखना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लेवल क्लियरली बता दिए, सेल ऑन राइज, इसी लेवल पे आपको सेल करना है 24,200 पे प्राइस एक्शन का सिग्नल मिलने के बाद। ओके, कॉल में हम सिर्फ 24,300 में बैठेंगे जब हमें एक एक दिन का कैंडल क्लोज हो जाएगा, उस दिन के बाद हम कॉल का सोचेंगे, तब तक सिर्फ सेल ऑन राइज। दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का देख सकते हैं आप, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि इस जब तक बैंक निफ्टी 50,700 क्रॉस नहीं करता, तब तक बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं, और वैसे ही हुआ। इसी लेवल से आज रेजिस्टेंस लेते हुए, कल से रेजिस्टेंस लेते हुए बैंक निफ्टी ने लगभग 1,000 पॉइंट का फॉल दे दिया। दोस्तों अभी बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि 49,600 अगर हो ब्रेक हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, अप टू द लेवल ऑफ 48,000, 48,000 तक आपको लेवल देखने को मिल सकता है। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। यहाँ पे अगर एक दिन का कैंडल नीचे के साइड क्लोज हो जाता है, तो डेफिनेटली हम पुट में बैठेंगे और पुट में ही बने रहेंगे, और कॉल में आपको सिर्फ बैठना है 50,700 के ऊपर। तो ये दो लेवल्स बैंक निफ्टी में जरूर नोट करके रखिए दोस्तों। यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।